क्योंकि हमने इसे अलग तरीके से जो बनाया हुआ है। अगर आपको भी ऐसा अमरस बनाना है तो आइए हमारे किचन में। अमरस बनाने के लिए हमने लिए 2 बड़े से तोतापुरी आम, जिसे हमने घर में ही पकाया हुआ है, जिसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। और दिखने में आपको कच्चे दिखते होंगे, मगर घबराइए मत, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं, इसका अमरस बहुत बढ़िया सा बन जाता है। और यह है मिश्री, जिसे खड़ी शक्कर भी कहते हैं, और इसमें भी केमिकल नहीं होता है। और 1 कटोरी दूध, चुटकी भर नमक। तो सबसे पहले चाकू की मदद से इन आमों को काट लेना है। और यह है चम्मच, इसकी मदद से हमें छिलकों को अलग कर देना है। अब हमारे आम के छिलके उतार के हो गए, इसे एक मिक्सी के जार में डाल दीजिए। और यह है मिश्री, जो हमारे दिमाग को तेज करती है, हमारे शरीर को ठंडक देती है और डाइजेशन को भी बनाए रखती है। अब जब भी आमरस बनाए मिश्री का ही उपयोग कीजिए। तो अब हम मिक्सी के जार से इसे निकाल लेते हैं और एक पतीले में डाल देते हैं, और साथ ही डाल देते हैं 1 कटोरी दूध, और इसे अच्छे से मिला देते हैं। आप चाहो तो इसमें पानी भी मिला दीजिए, हमने नहीं मिलाया है। और साथ ही डाल देते 1 चुटकी नमक। नमक आप ज़्यादा मत डालिए, वरना आपके आम रस का स्वाद बिगड़ सकता है। अब हमारा आम रस बनके रेडी हो गया। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हो, पूरी के साथ खा सकते हो, या फिर चम्मच के साथ ऐसे पी सकते हो। तो है ना हमारा आम रस हेल्दी। तो इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।